धान के लायक कोई काम होगा तो हम बता देंगे। शादी से पहले सास ससुर कैसे हो जाएंगे? कटहल धर के उसके माथा पे मार देना चाहिए था साले का रामघोर। अरे भाई, लेकिन तालाब की खुदाई देख के करोगी क्या? अरे देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? अच्छा, वो मजदूर कुदाल चलाएंगे तो उसको देख के क्या सीख लोगी? आप तो कुछ बताते नहीं हैं, तो मजदूर से ही सीखेंगे ना। हमारी क्रीम काहे लगाते रहते पापा आप? अरे बेटा, महकता बहुत बढ़िया, इसको लगाने के बाद इतर लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। पहले जमाने में हम रुई का फाहा में इतर लगा के घूमते थे, 10-10 फीट तक महकते रहते थे। मैडम, इतना बेइज्जती किया फिर भी इस आदमी पे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, तो माने ये काम करोगी है? अरे भाई, प्रधान हो, प्रधान के लायक कोई काम होगा तो हम बता देंगे। 2 महीने से यही कह रहे हैं, और देखिए हमें गुस्सा आया ना तो डीएम मैडम को फोन कर देंगे, फिर जेल में बैठ के मुंह पे क्रीम लगाते रहिएगा। रिंकी। हाँ पापा। अपने मम्मी को मुंह में टेप लगा दो। कोशिश करके देखो, तुम दोनों से ज्यादा दम है हम में। अरे भाई, अब कितना सजोगी? लड़के वाले रिंकी को देखने आ रहे हैं, तुमको नहीं। अरे आ रहे हैं, बस चेन रख रहे हैं। मम्मी, हमारा चार्जर रख लीजिएगा। रख लिया है, चार्जर की पड़ी है। चल चलिए, देख क्या रहे हैं? अरे इस बुढ़ापे में कहाँ बिजली गिराओगी? बूढ़े होंगे आप, चलिए। हाय हाय, देखो तो। इतना बड़ा बैग क्यों लिए हैं आप? लड़का देखने जा रहे हैं, किडनैप करने नहीं। पहले अपना बाल तो ठीक करो। अरे चलो ठीक है मम्मी, और लड़का के सामने हम करके बात नहीं करना, मैं करके बात करना। अरे भाई, शादी से पहले उनके सामने इतना पसंदने का जरूरत नहीं। आप चुप रहिए, और जाते ही सास ससुर के पैर छूकर प्रणाम कर। अरे शादी से पहले सास ससुर कैसे हो जाएंगे? अरे हेलो, हाँ पाठक जी। अरे भाई, मधुबन रेस्टोरेंट, मधु वाला मधुबन। हाँ नहीं, अरे वो तो हमने पूरा एडवांस बुक कर दिया है, एक घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ बस एक आध घंटे जी। हाँ हाँ आ रहे हैं। अरे गाड़ी के अंदर बैठ गए हो, कंधे से तो उतार दो। चलिए बढ़ाइए ड्राइवर से। तुम दोनों छुप छुप के क्यों खा रहे हो? हमारे सामने खाओगे तो छीन लेंगे का? नहीं, तुम्हारा वो निर्जल उपवास है ना, तो सामने खाना पीना अच्छा नहीं लगता। तो ड्रामा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। पिछला बार भी आप यही बोली थी, और शाम होते होते तक एटम बम की तरह फट गई थी। और वो भी सिर्फ इसलिए कि हम दोनों फुचका खा रहे थे। मंदिर जा रहे हैं। नहीं नहीं, बैठ के बात। फिर गुस्सा करेंगे देख। इस साला ये कटहल धर के उसके माथा पे मार देना चाहिए था साले का रामघोर। हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं करता हूँ। क्या हुआ प्रधान जी? विधायक से मार हो गया और क्या? क्या क्या हुआ? किसे गलिया रहा था आपको, लेकिन इस बार हम लोग भी अच्छे से जवाब देखे हैं। अच्छा, दम भर के दम दिए हैं हम उसको सचिव जी, कि वो भी याद रखेगा। हाँ, पिछली बार का और इस आज का दोनों बदला ले लिया हम उससे। अच्छा हाँ,
एक समय तो ऐसा लग रहा था प्रधान जी विधायक पर हाथ चला दिए। अरे मारे दिए होते अगर हम नहीं रोकते। प्रधान जी अगर आप मारते ना आज तो हम विधायक बहुत कचरते। अरे किसी चीज का हद होता है, है? एक हद के बाद तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिए थे कृष्ण जी। है? वो विधायक वो साल अपने आप को समझता क्या है भोसड़ी का, है? हमारे सचिव जी को, ये प्रहलाद को, ये विकास को गाली देगा हमारे सामने। हमारा इज्जत नहीं, इनका इज्जत नहीं, इनके हमारा भी इज्जत नहीं कर रहा साला। कोई बात ठीक, साहब शांत हो जाए। समझता क्या है वो? ना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो किसी आदमी को? बैठो पानी पिलवा, तबियत खराब हो जाएगा। अरे हम छोड़ दिए हम आज उसको, नहीं तो सर आज हमारे हाथ से हत्या हो जाता। फिर पानी पिलाओ। हाँ इसमें लोटे में पिलाओ। अरे क्यों मूड खराब कर रहे हो? अरे मूड तो उसने खराब किया है, हमको भी दीजिए ना।